हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय आन न्यू व्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, तो आज का व्लॉग कुछ इस टाइप का है। जैसे कि आप देख रहे हैं, फेस्टिवल रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, ये सारे फेस्टिवल हमारे बहुत सारे नज़दीक आने लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी प्रिपेयरिंग्स आप कैसे कर रहे हो? हमने तो आज स्टार्ट कर दी। देखा आपने, छोटे वाले सिस्टर वीडियो में दिख जाएगी, वो क्राफ्ट तैयार कर रही है। तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप अपने फेस्टिवल की कुछ कुछ प्रिपेयरिंग कैसे कर रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम मार्केट जाएं तो वहाँ से कुछ ले कर आएँ, तो अपने हाथ से अपने घर पे जो रखे हुए होते हैं उनसे भी हम चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि अपने जो बजट में होता है तो वो ही करता है ना इंसान। तो फ्रेंड्स, जितना आप अपने पास से करेंगे, अपने खुद से करेंगे, हाथों से करेंगे, लाइक हैंड से करेंगे क्राफ्ट को तैयार, भगवान जी के लिए, उनकी डेकोरेशन के लिए, उनकी स्टेज के लिए, उनको जो टेक्सचर देना होता है हर एक जन्माष्टमी पर अलग देना होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको तीज पे दिखाया था कितना अच्छा प्यारा सा दरबार सजाया है, तो भगवान जी भी उतने प्रसन्न होते हैं। तो फिर कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपके साथ एक अच्छी अच्छी वीडियो अब लेके आऊँगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स करना ना भूलें, चैनल को लाइक करना भी ना भूलें, वीडियो देख लेना आप, और मेरी जो पहली वाली वीडियो वे भी देख लेना आप। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो नमस्ते, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बन रही है हमारी सुबह सुबह की चाय, तो आप लोग भी पी लीजिए फिर चाय, और मैं साथ में मखाने जो वो फ्राई कर लूँगी यहाँ पे, क्योंकि सुबह सुबह में नाश्ते में यही खाने अच्छे लगते हैं मुझको। तो पापा जी जा रहे हैं ड्यूटी, वो सुबह कुछ ऐसा खा के नहीं जाते क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैं मखाने, और यहाँ पर मेरे जो कान्हा जी है वो अभी ये उठ गए हैं, तो राधे राधे आप भी बोलिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सुबह सुबह नहा ली थी, और सुबह सुबह मैं कान्हा जी को नहला दूँगी, क्योंकि आज मैं जल्दी नहा ली थी क्योंकि फिर मुझे कहीं जाना था, फिर वो बाद में कैंसिल हो गया, तो इसलिए मैं सुबह मैंने शावर ले लिया था, उसके बाद मैं यहाँ पे नहा ली थी और कान्हा जी को भी नहा रही हूँ। तो अभी फाइनली हमारी जो पूजा है वो हो गई कंप्लीट, तो फिर आप लोग भी कर लीजिए पूजा, और साथ में मैंने भोग लगाया है उनको, कान्हा जी को, मखाने फ्राई करके और दूध, और तुलसी के पत्ते आप ज़रूर ऐड करना, क्योंकि तुलसी के पत्ते के बिना कान्हा जी को भोग वो नहीं लगता, क्योंकि इनको तुलसी के पत्ते बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको तुलसी बहुत प्रिय भी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भाई आ गया ट्यूशन से, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भाई जा रहा है ट्यूशन से, अभी आया जा रहा है स्कूल, और इसके लिए मैंने नाश्ता बनाया उसके पराठे, वो भी समोसे वाले, तो कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताना, और आप भी लोग भी खा लीजिए, और साथ में सूट है इसको ये ज़्यादा पसंद है, साथ में मैं अपना भी नाश्ता यहाँ पे कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी कर लीजिए। तो यहाँ पर भाई खा रहा है मतलब नाश्ता, और मैं उसको इसके जो फीस थी एग्ज़ाम फीस, मैं उसको वो दे रही थी स्कूल में जाने के लिए, और ऐसा नहीं डूबी नाश्ता नहीं करती, सुबह सुबह इसको भी हम दूध रखते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मैं अपना जो डेली रूटीन होमवर्क है मतलब घर का, डस्टिंग लाइक वगैरह जो भी कुछ होता है, आप लोग भी बताना, आप भी करते होंगे वैसे तो, सभी करते हैं, तो फटाफट से मैं यहाँ पे वो कर लूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहन सुबह सुबह एक क्राफ्ट कर रही थी, क्योंकि प्रिपेयरिंग कर रहे हैं हम अभी से, क्योंकि इस महीने में बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हम जैसे जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी, तो उसके लिए हम अभी से तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग भी बताना, क्योंकि अभी से तैयारी छोटी छोटी होती है ना, क्योंकि ऐसे मार्केट से हम सब कुछ अवेलेबल नहीं करते, खुद से करते हैं जो हमारे घर में सामान होते हैं, कि हम इसके लिए क्या कर सकें और उसके लिए क्या कर सकें। तो यहाँ पे सामने वो कर रही थी, मैं उसको बता रही थी, और यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत डीपली डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि वन बाय डे तो नहीं करती, लेकिन दो दिन का एक्चुअली गैप ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अच्छे से डीपली डस्टिंग करती हूँ। तो यहाँ पे सब मेरा झाड़ू हो जाती है, तो यहाँ पर निकाल रही है दादी मक्खन कान्हा जी के लिए, क्योंकि मैं सुबह ताज़ा ताज़ा मक्खन रखती हूँ उनको, तो यहाँ पर मक्खन रख दूँगी मैं उनको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपने बर्तन लगा रही थी, क्योंकि सब फैल जाते हैं क्योंकि निकालते हैं, और फाइनली जो मेरे बर्तन है यहाँ पे वो ऐसे लग जाएंगे, क्योंकि मुझे हर एक चीज़ जो सीक्वेंस वाइज होती है ना, कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे घर में हर एक चीज़ की इसकी जगह यहाँ है तो उसकी जगह वहाँ है, तो मैं इन पर भी हल्का हल्का कपड़ा मार देती हूँ, डे बाई डे तो नहीं, मैंने भी बताया था एक दिन का गैप लेके, तो अच्छे से जब होता है तो मन को तसल्ली मिलती है, एक सुकून से मिलता है, क्योंकि घर क्लीन हो जाए। और मैं सबसे सुबह सुबह निकाल देती हूँ फ्रिज में से बोतल जो नई जो खाली हो जाती है, फिर उसको सुबह सुबह जो ताज़ा पानी निकलता है, तो फ्रेंड्स उसको फिर बोतल को भर के रखते हैं। और यहाँ पे कर रही थी मैं इसकी डस्टिंग, और इस मेज़ पे सिर्फ मैं अपनी बास्केट रखती हूँ जो सब्जी वगैरह की होती है, और कुछ ज़्यादा नहीं रखती, खाली छोड़ देती हूँ, क्योंकि बाहर से जो सामान वामान आता है मैं इस मेज़ पर रखती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी बताना कि मेरा जो ये डेली रूटीन
कैसे वर्क है, आपको कैसा लगा, मैं कैसा इसको और तरीके से करूँ। वैसे तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है सब चीज़ करने के लिए। तो हम फटाफट से यहाँ पे पोछा लगा देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। पापा जी भी फिर नहीं गए थे, पापा जी का भी कैंसिल हो गया, मेरा भी कैंसिल हो गया, मुझे भी कहीं जाना था। तो फ्रेंड्स फटाफट से बनाते हैं सब्जी रोटी, और सब्जी रोटी में मैं ऐसे कुछ खास नहीं बनाऊंगी क्योंकि सब्जी तो रोज़ रोज़ खाते हैं। तो फ्रेंड्स अभी देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, घटा घटा सी हो रही है। तो ये हमारे पीछे का सीन है, बिल्कुल घर के पीछे का घर से गेट है। तो फ्रेंड्स फिर मैं पीछे गई थी और ईंट लेकर आई थी। तो ईंट को पहले मैंने वॉश किया अच्छे से, फिर उन पर गंगा जल छिड़कूंगी क्योंकि वो मुझे पूजा में लेनी है। तो फ्रेंड्स मैं हमारे यहाँ पे चौक पे ना तुलसी का पेड़ रखा हुआ था, हम झाड़ू लगाते हैं हल्की हल्की धूल चली जाती है तो हम उसे पूजते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो मैं ऐसे करके ताकि थोड़ा ऊँचा झाड़ू लगाए तो डस्टिंग ना जाए इनके ऊपर, तो फिर मैंने ये ऐसे कर दिया। भाई जब की पूजा करते हैं हम, इनको पूजते हैं तो अच्छे से रखना चाहिए ना। तो आप लोग बताना कैसा लग रहा है। और फाइनली जो मेरा आटा है वो हो गया रेडी। और यहाँ पे छाए छोटे वाली बहन ढूंगार रही थी क्योंकि ढूंगरी भी छाए बहुत पसंद है। ये देखो फाइनली हमारी जो छाए है मट्ठा मतलब वो ढूंगर गई है। तो फिर अभी मैं लगा देती हूँ कान्हा जी को भोग, पराठे, छाए ढूंगरी भी मतलब मट्ठा ढूंगरा हुआ, और शक्कर और तुलसी के पत्ते ऐड करना आप बिल्कुल मत भूलें, तभी उनको भोग लगता है, उनको बहुत प्रिय है। उनका भोग भी तभी संपन्न होता है जब तुलसी के पत्ते उसमें ऐड हो। और सुबह सुबह तुलसी के पत्ते निकाल लेती हूँ। और यहाँ पे बनाइए मिर्च, प्याज, टमाटर और जो मक्खन है वो कितना डिलीशियस लग रहा है और बहुत अच्छे से मेल्ट भी हो रहा है क्योंकि सब्ज़ी बहुत अच्छे से गर्म हो रही है। तो पापा जी को फटाफट से दे देते हैं हम खाना। और यहाँ पे शाम हो गई है तो इसके लिए कुरकुरे, इसके रेपी भी जो मेरे लिए बिस्कुट आया था क्योंकि हमें दुकान की चीज़ें खाना बहुत पसंद है। किसको दुकान की चीज़ें खाना पसंद है वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और डूबी को देखो, तो सबसे पहले मैं जो चीज़ आती है मैं कान्हा जी को रखती हूँ। तो उनको मैं बिस्किट लगा भूख लगा रही थी। यहाँ पे ये भी हमारे साथ बैठे हुए थे, ये टीवी देख रहे थे, हम सब रूम में ही थे अंदर वाले। तो फ्रेंड्स शाम के यहाँ पे मेरी जो बहन है कुछ क्राफ्ट मैंने बताया था जो कर रही थी तो उसका कुछ बचा हुआ था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये एक ना मिठाई का डब्बा था जो हमारी बुआ जी के यहाँ से आया था, हम जागरण में गए थे, आप मेरी वीडियो में देख ही लेना। और डूबी कितनी मस्ती, ओए होए डूबी कितनी मस्ती, कितनी क्यूट लग रही थी ना। और शाम की यहाँ पे हो रही है पूजा फ्रेंड्स, तो आप लोग भी कर लीजिए पूजा। और यहाँ पे भी जो उसने बनाया था मैं वो दिखा देती हूँ फटाफट से। ये दो छोटी छोटी मटकियाँ हैं जो हम लेंगे और ये बहुत प्यारा सा इसने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुकर की थोड़ी सी डेंटिंग करवाई है, मैंने इसका लगवाया यहाँ पे हैंडल, जो हैंडल बहुत दिन से मिल नहीं रहा था, ये भी कंपनी का नहीं है फिर भी मैंने लगवा लिया क्योंकि हाथ जल जाते हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ कुछ एक आलू का डो, मैंने इसकी पिट्ठी बनाई थी। तो फाइनली इसको जो लुक दूंगी मैं इससे मसाले डालकर उसमें हल्का सा छौंक लगाऊंगी वो ये होगा, क्योंकि रोज़ खाने रोटी खाने का भी मन नहीं करता। और हमें बहन भाई को तो हम तो इतने वो मतलब बाहर की चीज़ें इतने पसंद है, पापा जी हमें बहुत डांटते थे। फिर हमने घर पे ही कुछ भी ऐड नहीं था, मतलब सब्जी मंगाई थी और कुछ भी ऐसा वो नहीं था कि हम ये बनाएंगे। तो फिर बहुत जल्दी जल्दी फिर ये हुआ कि फटाफट चलो बर्गर बनाते हैं, ये रखे हुए थे सब्जी मंगाई और फिर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे थे क्योंकि सिंपल, तो क्रीम वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं थी तो बहुत ज़्यादा सिंपल हमने बर्गर खाए, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी लग रहे थे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी खा लीजिए। फ्रेंड्स इस वीडियो का करते हैं यहीं पे दी एंड, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले मेघा चौधरी व्लॉग्स। और चैनल को अब अपनी वीडियो देख लिया तो लाइक भी कर देना ऐसे करके। और ये बताना मेरे कंगन कैसे लग रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं? मुझे तो बहुत पसंद है, मैंने ये पहन लिए, आगे आगे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं तो अच्छे लगते हैं और मुझे बहुत शौक है इन सब चीज़ों का। तो फ्रेंड्स और मेरी बर्गर वाली रेसिपी है जो सिंपल सी मैंने बनाई है, तो कुछ भी मार्केट से लाइक अवेलेबल करने की ज़रूरत नहीं, जो अपने घर पे होता है उससे भी हम बना सकते हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।